कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम बदलते किस्मत में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, हमारी खुशियों की चाबी हमारे पास ही है। जब भी कोई परेशानी आती है, कष्ट आता है, कठिनाइयां आती हैं, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। हम अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, सारे दुख के बादल हमारे जीवन में ही क्यों हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप प्रयास करेंगे तो सुख दुख जीवन का एक हिस्सा है, ये कठिनाइयाँ भी एक हिस्सा है आपके जीवन का। अगर आप प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं, मेहनत करते हैं, विशेष प्रकार के उपाय अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस दौर से बाहर आ सकते हैं, इन कठिनाइयों का आप निदान प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों का संचार कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना होगा। नंबर्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना है और सीधे हमारे साथ जुड़ना है। आइए इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करेंगे हमारे बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, जाने माने ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष सम्राट, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी का स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो सीधे उनसे बात करते हैं। गुरु जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार जी, शुभ नाम बताएं अपना। चमन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए चमन जी, और डेट ऑफ बर्थ बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं? बच्चे के बारे में पता करना था। बेटी के बारे में? बच्चे के बारे में, लड़के के बारे में? लड़के के बारे में। बेटे का नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ दीजिए। मोज प्रकाश। प्रकाश की डेट ऑफ बर्थ? 19/12/1997। समय बताएं? रात्रि 10:45। रात के 10:45। कहाँ का जन्म है? दिल्ली का जन्म। ठीक है चमन, हमारे साथ जुड़े हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। आपने बेटे की कुंडली बनाई है? नहीं जी। अब कब बनवाई है? जब पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। आपने बच्चे की पूरी लाइफ खराब कर दी। छोटी छोटी गलती करते हैं माँ बाप और भोगना पड़ता है बच्चों को। सबसे पहले इस बच्चे का जन्म गंडमूल में था और आपने तो कुंडली बनाई नहीं अभी तक, तो आपको पता क्या लगेगा। मैंने देखा है 19,780 कुंडली मैंने बनाई है और ये मेरा अपना अनुभव है, माता रानी का आशीर्वाद है कि जो मैं कहता हूँ हमारे दर्शक कहते हैं गुरु जी आपने 100% सत्य कहा है। आपके बच्चे कुंडली में सिंह लग्न की है, सिंह राशि है, इनके लग्न में ही चंद्र राहु का ग्रहण योग लगा हुआ है और चंद्रमा के आगे पीछे बिल्कुल खाली, पूरी लाइफ खाली। आपने, मैं विश्वास के साथ कह सकता कि आपकी छोटी सी गलती बच्चे की पूरी लाइफ खराब कर रही है और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। सावधान हो जाएं, आप किसी अच्छे ज्योतिष से मिलें, इसकी पूरी 24 पत्रिका बनवाएं, ऐसा जगह बनवाएं जहां 24 पत्रिका बनती हो और 24 कुंडली बनवा करके इसके ग्रहों का निवारण करवाएं, बच्चे का लाइफ टॉप का हो जाएगा। दिस हॉरोस्कोप इज द कंप्लीट फिट फॉर गवर्नमेंट जॉब। लेकिन ये बच्चा तैयारी करते रह जाएगा, न तो इनको जॉब लगने देंगे, न इनका हेल्थ सही होने देगा, न इनका मैरिज होने देगा और आपके बच्चे धीरे 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 चले जाएंगे डिप्रेशन में। लग्न मतलब बॉडी, और लग्न से ही इनका ग्रहण योग और केमदुम योग बना हुआ है। लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, और ऐसे बच्चे जीवन भर डालमा में रहेंगे। हमारी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और मैं आपके साथ साथ सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा जो मैं बार बार कहता हूँ कि ग्रहों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा। इतिहास गवाह है कि ग्रहों ने भगवान शिव को नहीं छोड़ा, शिवानंद को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या छोड़ेगा। हम इसके निवारण से निश्चित रूप से जीवन में लाभ पा सकते हैं।
आपके कोई ज्योतिष कुंडली देकर के यदि बताते हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप कहते हैं सही है, तो निश्चित रूप से वो ग्रहों की गणना से ही बताते हैं। आप हमारे पड़ोसी नहीं होते, आप हमारे परिवार नहीं होते हैं। तो बच्चे की कुंडली इतनी अच्छी कुंडली है कि मैं कह नहीं सकता, लेकिन ग्रहण योग और केमद्रुम योग पूरी बच्चे का लाइफ खराब कर देगा। ये सिंह लग्न की कुंडली और सिंह राशि हो रखा है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है अब देखिए कितना इंटरेस्टेड बात है। सिंह लग्न की कुंडली और सिंह राशि दोनों का मालिक सूर्य और सूर्य का दशा चल रहा है, मतलब दिस इज द टॉप टाइम, दिस टाइम इज द टॉप टाइम लाइफ का है। उसके बावजूद भी बच्चे को लाभ नहीं मिल पा रहा है और आपको कभी शिवानंद जी के यहाँ, कभी तिवारी जी के यहाँ, कभी शर्मा जी के यहाँ, कभी चौबे जी के यहाँ फ़ोन करना पड़ रहा है। और याद रखें, फ़ोन करने से कभी लाभ नहीं मिलेगा। आप एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके बच्चे की पूरी कुंडली बनवाएं। हम बच्चों के पढ़ाई में 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं और जब बच्चे की करियर ख़राब होती है तो बच्चे भी परेशान और आप भी परेशान होते हैं। तो इस बच्चे की कुंडली बहुत टॉप की है, लेकिन ग्रहण जो केम जो पूरा लाइफ बच्चे का खराब कर देगा। क्या आप सहमत हैं चमन जी गुरु जी की बातों से? सहमत है, क्या कर पाएगा मैं पता करना चाहता हूँ। उसके लिए मिलना पड़ेगा, फ़ोन से कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप मिलेंगे नहीं अब वो कुछ नहीं हो पाएगा। डॉक्टर ने बोला पेट में पत्थर है, मैं कैसे मानूँ पत्थर है कि फूल है? उसके लिए एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। मैंने कहा केमदुम जो के ग्रहण जो, अब पता कैसे लगेगा? अब जब मिलोगे तब मैं तो दिखाऊंगा ना, कि बुक रख दूंगा आपके हाथ में केमदुम जो की, कि कैसे बनता है क्या करता है। मैंने जो कहा है यदि आपको सही लग रहा है तो जितना जल्द से जल्द हो सके किसी अच्छे ज्योतिष से मिलिए। आपने बच्चे की पूरी लाइफ खराब कर दी है भैया जी, मेरी बात को बुरा मत मानना। मैंने कभी भी सत्य से पीछे नहीं हटा है और यही सत्य का आधार है कि मैं कटु बोलता और आपको थोड़ा बुरा भी लगता है, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं चाहता कि हमें थोड़ा कड़ा बोलने से भी किसी का लाइफ बन जाए तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उषा हैं दिल्ली से, उनसे बात करेंगे। स्वागत है उषा जी। हाँ जी, 26 अगस्त 1964। समय? समय सुबह का है, प्रॉपर ध्यान नहीं पता पर बाकी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है। नहीं हो पाएगा, सॉरी, माफी चाहेंगे। 5 से 6? नहीं, मैं माफी चाहूंगा, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक मिनट में पूरी कुंडली बदल जाती है। 5 से 6 के बीच में 60 मिनट में 60 कुंडली बन जाएगी, मैं कौन सा बनाऊं? ऐसी कंडीशन में आप किसी अच्छे ज्योतिष से मिले और हस्तरेखा भी दिखाएं, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। यदि कोई कहते हैं तो आपको बिल्कुल चीट करते हैं, आपके साथ धोखा करते हैं। बढ़िया मोनिका जी, आगे। उषा जी देखिए, आप हस्तरेखाओं का सहारा ले सकती हैं और अपने बारे में पूर्ण रूप से जान सकती हैं क्योंकि आपको समय की जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक से बात करेंगे। स्वागत है आपका प्रोग्राम में, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल कृष्ण मंडल है। स्वागत है आपका गोपाल जी प्रोग्राम में, बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपना करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। आप सवाल मत कीजिए गोपाल जी, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9th January 1973। टाइम? टाइम है दोपहर को 12:18। कहाँ का जन्म है? कलकत्ता। कोलकाता का, ठीक है। गोपाल हमारे साथ जुड़े हैं गुरु जी, कोलकाता का इनका जन्म है। गोपाल जी कुंडली बनी है आपकी? जी, फिर एक तो बना है जब मैं बिल्कुल छोटा था, उसी समय एक बना था। जब बड़ा हुए तो नहीं बनाए? नहीं, बड़ा हुआ तो नहीं बनाए। फिर आपकी कुंडली 1973 का बॉर्न है, आपकी पूरी लाइफ निकल गई और आप चक्कर में हो गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब का भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बंगाल गवर्नमेंट हो या झारखंड गवर्नमेंट हो, एक एज फैक्टर होता है और उस एज फैक्टर के बाद ज्योतिष का बाप का भी हिम्मत नहीं कि आप जॉब जलवा देगा। जब एज निकल जाएगी ना तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी और आपने अपनी पूरी लाइफ को धो दिया डिटर्जेंट वाश से, क्योंकि आपने कभी केयर ही नहीं लिया। जैसे मैंने अभी उनको समझाया था वही हाल आपने गलती किया है नज़रअंदाज करके। आपकी कुंडली मेष लग्न की बन रही है, राशि कुंभ राशि है। आपके जो भी कुंडली है जन्म की टाइम की क्यों न हो, आप खोल करके देख लेंगे और सुबह 9 बजे बताएंगे हमको कि मैंने सही कहा या गलत। आपके चंद्रमा 11 नंबर में होंगे और आगे पीछे खाली, पूरी जिंदगी खाली। ना तो आपको लाइफ सेट होने देगा करियर, न तो आपको मैरिज लाइफ का मजा देगा और संतान सुख में भी बाधा देगा। ये ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, संतान सुख, संतान हो गए तो उसकी करियर डिस्टर्ब और इनकम के घर से बना है केमद्रुम योग। आप बिजनेस करो, जॉब करो, इनकम का स्रोत ही नहीं होने देगा। पूरी लाइफ आपकी गोल कर दे रहा है और साथ साथ आपके माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलें, मिल करके पूरी 24 कुंडली बनवाएं और हो सकता है आपकी सर्टिफिकेट में कुछ और डेट हो और आपका एज फैक्टर बचा हो जॉब के लिए, तो दिस हॉरोस्कोप इज द 99% गवर्नमेंट जॉब। लेकिन एकमात्र केमद्रुम योग पूरा लाइफ खराब कर दे रहा है। जिस तरह की पूरे मकान में वायरिंग होता, एक फ्यूज उड़ जाती, पूरी लाइट गोल हो जाता।
वही हाल आपके साथ हो रखा है। तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके एक ऐसे ज्योतिष से मिलें जहाँ पर कि आपको एक शब्द बोलना नहीं पड़े, आप क्या लेके पढ़े हैं, आप क्या चाहते हैं, एक एक चीज़ ज्योतिष जी खुद बताएंगे यदि वो जानकार होंगे तो। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या भूल करके भी नहीं बताना चाहिए। और बार बार मैं कहता हूँ विच एस्ट्रोलॉजर रेडियो देन रेडियो, तब अच्छे ज्योतिष से मिलें, आपकी जो समय निकल गया वो लौटा तो नहीं सकते, आने वाला समय आपको अच्छा हो ये उपाय अवश्य किया जा सकता है। गोपाल जी क्या आप सहमत हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सहमत है, तो जरूर इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक से बात करेंगे। हमारे साथ सचिन है अलवर से, स्वागत है सचिन जी, नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। बताए सचिन जी किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं मेरे बारे में जानना हूँ। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें दीजिए। 28 अक्टूबर 1990, समय बताएं? 10:30 PM। 10:30 PM कहाँ का जन्म है? अलवर का। अलवर का जन्म है, ठीक है। सचिन हमारे साथ जुड़े हैं गुरु जी। सचिन जी कुंडली बनी हुई है आपकी? कुंडली नहीं बनी गुरु जी। नहीं बनी है, सबका वही हाल हो रखा है। अरे इसको नज़रअंदाज मत करें, मैं आपके लिए ही कहता हूँ। मैंने देखा है जिसने नज़रअंदाज किया ना उनको जीवन नज़रअंदाज कर देता है। ये सिर्फ फोन घुमा लेने से आपको समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। डॉक्टरी ज्योतिषी और वकालत कभी भी फोन पर नहीं हो सकता, मैं बार बार कहने का प्रयास करता हूँ। तो दर्शक कह सकते हैं तो गुरु जी आप टीवी पर क्यों आते हैं? तो हम टीवी पर इसीलिए आते हैं, सुबह में 9 से 10 इसीलिए बात करते हैं कि आपको सावधान करने का आगाह करने का प्रयास करते हैं कि ग्रह को समझिए, इसकी स्थिति को समझिए, इसने किसी को छोड़ा नहीं है, आप उपाय करेंगे लाभ आपको मिलेगा। हम आपको लाइव कार्यक्रम में या सुबह के फोनी कार्यक्रम में हम आपके प्रॉब्लम को बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज मैं लगभग 13 वर्षों से टीवी पर हूँ लेकिन आज तक मैंने किसी को समाधान नहीं बताया। समाधान नहीं बताने का यही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि पूरी 24 कुंडली बने। 24 कुंडली बनने के बाद पहले जो अशुभ योग बनता है उसका निवारण हो, तब रत्न की धारण हो जो आपको लाभ मिले। लोग करते क्या, रत्न पहन लेते, कहते कि मैं तो पुखराज पहन रखा, आपको फायदा नहीं हो रहा। कहाँ से फायदा होगा? आपकी कुंडली बना हुआ है केंद्रम योग, आपकी कुंडली में बना हुआ है 20 दोष, आपके तो लोटा में ही छेद है, तो पानी भर दो दूध भर दो, कहाँ से रुकेगा, निकल जाएगा वो रत्न, कोई काम नहीं करेगा जब तक निवारण नहीं करेंगे। आपकी भी जो कुंडली बन रखी है धन स्थान में गुरु केतु का चंडाल योग, फर्स्ट निगेटिव, सेकेंड निगेटिव, भाग्य स्थान से आपके बन रखे हैं विषाक्त केंद्रम योग, बेटा आप खटोगे 18 घंटे का फल मिलेगा, 1 घंटे का लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, और हर एग्जाम आप मारोगे और आपको लटकते जाएगा निकलने ही नहीं देगा। और उसी तरह से आपको नमाज कुंडली में भी बना है केमदुम योग और ये चंडाल योग, तो इसके कारण क्या करेगा, आने वाला समय में आपको वैवाहिक जीवन में परेशानी करेगा। इस कुंडली के अनुसार ऐसे बच्चे MBA करते हैं या बैंकिंग जॉब में जाते हैं और सेकेंडरी जो है वो टीचिंग लाइन की जॉब की है, लेकिन सिर्फ लग्न कुंडली को नमाश कुंडली को देकर के कभी ज्योतिषी नहीं हो सकता जब तक कि पूरी 24 कुंडली देखा नहीं जाता। जब व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता तो हमें आश्चर्य लगता है कि हमारे साथी या आप जहाँ जाते हैं वो 24 कुंडली क्यों नहीं बनाते, हम 2 कुंडली देख के बता देंगे, 22 कुंडली कौन देखेगा। तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा बच्चे कि आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलो, मिलकर के पूरी कुंडली बनवाओ। आपकी कुंडली भी बहुत टॉप की है, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का स्थिति बना हुआ है, लेकिन विषाक्त केमदम जो होने के कारण से आपके बनते बनते काम को लटकाएगा और करियर को और मैरिज को दोनों को बर्बाद कर देगा। क्या आप सहमत हैं? सचिन जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, दोबारा से एक बार बोले क्या कहना चाह रहे हैं। मैम मेरी कुंडली वैसे तो बनी हुई है पुरानी जी, लेकिन मुझे सवाल पूछना है उसका, बीमार करके मैं बीमार रहता हूँ थोड़ा सा। सर जी आपकी पूरी कुंडली डिस्टर्ब है, चाहे फिजिकल अपीयरेंस हो, करियर हो, मैरिज हो, सारी स्थिति खराब है। और बचपन की बनी कुंडली से मतलब नहीं होता, मतलब होता है मैंने कहा कि 24 कुंडली होनी चाहिए और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को निकालना चाहिए। हम कंप्यूटर से प्रिंट कर लें और उसका गन्ना ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा। हमारे साथ अल्ट्रासाउंड प्लेट हैं, रिपोर्ट ही नहीं है, एक्सरे प्लेट हैं, रिपोर्ट ही नहीं है, क्या समझ में आएगा। तो पूरी कुंडली बनवा करके इसकी आप उपाय करें, और बचपन की कुंडली से चलने वाली नहीं है क्योंकि वो 1-2 कुंडली होती है, पूरी 24 कुंडली बननी चाहिए। और मैंने कहा कि आपको बिल्कुल गवर्नमेंट जो का स्थिति बना हुआ है जो आपको पूरा डिस्टर्ब कर रखा है, और इसी के साथ साथ आपके हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे, बस आवश्यकता है आपको एक अच्छी ज्योतिष से मिलने की।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बनवारी हमारे साथ सीकर से जुड़े हैं, राजस्थान से। स्वागत है आपका बनवारी जी। हाँ जी, राम राम। राम राम जी, बताए बनवारी जी। 28290 28290 सुबह 8 बजे AM। कहाँ का जन्म है? सीकर, राजस्थान। किन की डिटेल्स हैं ये बनवारी जी? मेरे लड़के के। नाम बताइए उनका। दीपक। दीपक, ठीक है। अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। सीकर, जन्म स्थान कहाँ है? सीकर, राजस्थान। सीकर, राजस्थान। क्या नाम इनके बेटे का? दीपक। दीपक, बहुत अच्छा प्यारा सा नाम है दीपक। इनकी कुंडली बनाया है आपने? हाँ जी। कब बनाया था, बचपन में या बाद में? ये नवमा कुंडली, चंद्र कुंडली करवाया रखी है कंप्यूटर से, वैसे कम जन्म से बनी हुई है। जन्म से बनी है, तो इनके जन्म गंडमूल में हुआ था, गंडमूल की पूजा आपने कराया था? नहीं करवाई जी। तो फिर क्या फायदा ऐसे कुंडली बनने से, क्या फायदा? डॉक्टर से दिखाया था? जी सर। दवा खाया था? नहीं सर। तो फायदा क्या मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपके बच्चे का जन्म बिल्कुल गंडमूल में हुआ है, रेवती नक्षत्र में, और मैंने देखा है ये छोटी छोटी चूक बच्चे की पूरी लाइफ खराब कर देता है। आपके बच्चे की कुंडली मीन लग्न की है और मीन राशि भी है, बहुत अच्छी कुंडली। हंस योग बना हुआ है, मंगल शनि का युति राजयोग बना हुआ है, लेकिन किसी का इनको लाभ नहीं मिलने देगा। वो लाभ नहीं मिलने का कारण क्या है कि इनकी कुंडली में हम लग्न कुंडली देखते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। दर्शकों, मैंने कहा है कई बार कि सिर्फ लग्न कुंडली को देखकर ही गणना नहीं होती। आप जहाँ भी जाएंगे सभी आपको बोलेंगे टॉप की कुंडली है, टॉप की कुंडली है, और टॉप सुनते 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 बच्चे की पूरी लाइफ निकल जाएगी। क्यों? कि इनके दशमांश कुंडली, जिससे मुख्य करियर देखते हैं, दशमांश कुंडली में ही बना हुआ है चंडाल दोष, बीज दोष और अंगारक दोष, तीन तीन दोष बन रखे हैं जहाँ से हम करियर देखते हैं। और चतुर्दिशांश कुंडली क्या होता? कॉम्पिटिशन का वहाँ बन रखा है केमद्रुम जॉब, तो कॉम्पिटिशन में प्रॉब्लम, जॉब लगने में प्रॉब्लम, क्योंकि इनके जो एज फैक्टर हैं इसके अनुसार सबसे पहले इनकी करियर को देखना है, तो इनकी करियर में प्रॉब्लम कर रखा है। और दूसरा बात, आगे बढ़ते हैं, जस्ट बगल में नौमांश होता है, वहाँ पर भी दो दो राजयोग बना हुआ है। ये कुंडली कहता है ऐसे बच्चों का विवाह होना और भाग्योदय हो जाना शुरू हो जाता है, लेकिन इनके नौमांश में चंद्र केतु का बना हुआ है ग्रहण योग, जो इनको विवाह में भी परेशानी करेगा। तो सबसे पहले करियर, हम पहले करियर सेट कर लें तो फिर हम आगे विवाह की बात करें। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके 24 कुंडली बनवाएं और इस बच्चे को बैंकिंग की या सेकेंडरी में टीचिंग की तैयारी कराएं। इनकी कुंडली के अनुसार इनकी दशा भी शुक्र में गुरु का जा रहा है। अब शुक्र में गुरु का दशा जो है, क्योंकि गुरु इनका लग्नेश भी है, दशमेश भी है, तो जॉब का परफेक्ट टाइम चल रहा है, और हमें विश्वास है कि बच्चा तैयारी भी कर रहा है, लेकिन इनको निकलने नहीं देगा। और निकलने नहीं देने कारण क्या है? मैंने कहा बीज दोष, चंडाल दोष, अंगारक दोष, चतुर्दशांश में केंद्रम जॉब। आपको सही लग रहा है तो एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके पूरी 24 पत्रिका बनवाइए। हम बच्चों की पढ़ाई में फिर वही बात कहेंगे कि हम बच्चों के पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते, जब बच्चे का करियर खराब होता है तो आप भी परेशान, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो आपके बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है, बस आवश्यकता है इनके निवारण करने की। क्या आप सहमत हैं? हाँ जी सहमत। इसके व्यापार करवाना है, सर्विस तो करता है, शादी भी हो गई। आप जब तक उपाय नहीं करेंगे बच्चों को लाइफ सेटल नहीं होने देगा। यदि आपने शादी कर दी तो शादी में समस्या लाएगा। मेरी बात को नोट कर लेना कि शिवानंद जी ने इस तारीख को इतना बजे बताया है। दर्शकों, मैंने कितनी कुंडली देखा है, आज तक मैंने देखा जिसको भी कहा है ये माता रानी का आशीर्वाद रहा है, कोई नेगेटिव नहीं जाता है। चाहे 2008 से मैंने जितनी पॉलिटिकल प्रिडिक्शन किया, जितने भी मैंने वर्ल्ड कप का किया, ये माता रानी का आशीर्वाद ही मेरे साथ है, जो आज तक एक मिसिंग नहीं हुआ है। और मैंने फिर एक दिन कहा था कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में बहुमत तो है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है, और वो आने वाला अप्रैल तक इनको बहुमत मिल जाएगी, और एक मैं बहुत बड़ी भविष्यवाणी करूंगा जो कुछ दिन के बाद। बनवारी जी, इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी जिन दर्शकों की आज बात नहीं हो पाई है, सुबह 9 से 10 के बीच में बात कर सकते हैं। अब हमें चलने की दीजिए इजाजत, आपने समय दिया, धन्यवाद। जी नमस्कार जी, जय माता, शिवरात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट,
आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जन पत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257906, IFSC कोड SBIN00160090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।